बाइक को भी देख लो कैसा लुक है। अभी पूरा मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है, अब धीरे धीरे होगा। अभी जो सीट का है अपन कराने वाले हैं, अभी तो ये वाला सीट कवर है जो कि कोई मतलब का नहीं है। अब चलते हैं अंदर। तो गाइस चलो, इसका सीट का मॉडिफिकेशन होने वाला है। आपने थंबनेल तो देख लिया है, बट आपको और मज़ा आ जाएगा जब आप इसका मॉडिफिकेशन देखोगे। भाई R15 और इसके लिए तो मैं बहुत सारी वीडियो लाया हूँ, बट FZ के लिए करते हैं पहले तो इसको स्टार्ट, और फिर चलते हैं अब इसका व्लॉग और कंटिन्यू। तो लेट्स गो, क्या होने वाला है आज इस बाइक के साथ। मैं तो कह रहा हूँ इसके साथ इतना बुरा होने वाला है कि इसके लिए उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हेलमेट की स्ट्रैप लगा रहे थे भैया, हाथ छोड़ के गली के अंदर, बाहर नहीं करते हैं छपरी गिरी, बस गली में चुपचाप जब तक कोई देखे नहीं, क्योंकि एक छपरी सब में छुपा होता है भाई। तेज चलाना, कभी तुम फन के लिए चलाओगे तो लोग तुम्हारे को छपरी बोल देंगे। वैसे यार अपन को तो कोई बोलता नहीं। आज होने वाला है ये पूरा काम बाइक का। पीछे रखते हैं भाई, कौन कौन जा रहा है कौन कौन नहीं जा रहा है दिखता रहेगा। सब पीछे होके बैठते हैं। नाइस भाई, FZ में बढ़िया रहता है, थोड़ा व्यू अच्छा रहता है, और कोई बात नहीं है। लाइक गाड़ी चलती रहती है, अपन ऐसे बैठे हैं, इतना दूर स्पेस काफ़ी रहता है ना, तो अच्छे से दिखता रहता है। मेरा क्या, गाड़ी का ये मीटर टैंक वैंक सब दिखता नहीं है, तो इस वजह से मुझे यूँ करना पड़ता है। और लोग बोलते भैया सामने का व्यू नहीं आ रहा। सही बात है, सामने का व्यू तो आता ही नहीं है यार। अब जैसे इसमें आ रहा है, देखो ना, आप भी इंजॉय करो, हम भी। ये थोड़ा सा मिरर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है भाई, इसको भी सेट कराएंगे। चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि अभी 1.5 घंटे काम को लगेंगे। और जय भोलेनाथ, ये व्यू तो हमेशा की तरह भारी है। बाकी भाई ये वाली FZ सच बता रहा हूँ बहुत भारी है। और पेट्रोल सुबह था 2 लीटर, अभी और हो चुका है शायद 3 लीटर। 3 लीटर नहीं हुआ एक्चुअली, एक्स्ट्रा ज़्यादा रहता है। अभी हो सकता है इस गाड़ी के अंदर 5 से 6 लीटर पेट्रोल हो, समझ रहे हो, मतलब 5 लीटर तो आराम से ही होगा। और सुबह इसका मतलब हो सकता है 3.5 से 4 लीटर हो, इसलिए कम बता रही थी। अभी एक लाइट हो चुकी है और टन टना सुबह का तो क्या है, वो मैंने वीडियो बनाया था तो मैं वो बोल रहा हूँ, आपको तो पता ही नहीं, इस वीडियो में तो मेंशन ही नहीं होगा, बट मैं छोटा सा मेंशन कर दूँगा। चलें भाई ठीक है, सीट कवर वाले भैया के अब थोड़ा सा पहुँच लेते फटाफट। यार भागने करने में सही है यार गाड़ी, सच में भाई। ऐसा बोलते हैं ना, मतलब FZ है क्या दम होगा भाई, इस बाइक के हिसाब से बेस्ट ही है। और इसमें भाई सीट की तो क्या कंफर्टेबिलिटी है ना भाई, एक नंबर। चलाते चलाते ही फील हो रही है मुझे तो, वही चीज़ है, समझ रहे हो। गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई नहीं। यार राहुल भैया से अपन ये पूछेंगे, आपने ये ऐसा गाना क्यों लगाया हुआ है, क्वालिटी उन पर बसता है इनका ये वाला गाना। इंडिकेटर दे देते दे भाई, चलो अब वहाँ पर पहुँच के कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। जब तक थोड़ी सी पॉज मार लेते हैं, क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती। तो पहुँचने वाले हैं राहुल भैया की शॉप, जो कि दुकान का नाम है कमल कार कुशंस, कुछ ऐसा ही करके। हाँ शायद नहीं, वही नाम है जो मैं कह रहा था, कमल कार कुशंस। भैया को देखो अंदर, न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो गई है। चलो बाइक को भी देख लो कैसा लुक है। अभी पूरा मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है, अब धीरे धीरे होगा। अभी जो सीट का है अपन कराने वाले हैं, अभी तो ये वाला सीट कवर है जो कि कोई मतलब का नहीं है। अब चलते हैं अंदर। कैसे हो भैया, हाउ आर यू, बड़े दिनों बाद। तो ये है नया प्रोजेक्ट, और इसमें करना है अपन को वैसा ही जैसे हमेशा करते हैं, तो करें फिर ठीक है। तो अभी तक तो देख लो, अपन ने FZ के अंदर ये ही थोड़ा सा दिमाग लगाया भाई कि इस शेप के अंदर अभी अपन बनाएंगे। अभी तो छोटा मोटा आया डायग्राम है ही। अभी वैसे इसका स्टॉक सीट है, इसका जो कंपनी से सीट कवर आया था वो हटा दिया, ये पूरा स्टॉक हो गया है। और स्टॉक रेड है तो मेरे हिसाब से कहीं से भी नहीं जम रहा है इसमें, अजीब सा लग रहा है। जैसे कोई कालीन बिछा रखा हो घर में पैर पहुंचने लायक।
यहाँ से एक तो ये वाला जो शेप है वो अलग रखा है हमने, ये वाला अलग रखा है। तो यहाँ से जो ये पूरा पूरा बना रहे ना हम पीछे से थोड़ा वी शेप के अंदर, तो इन सबको अलग रख रहे हैं, मतलब बढ़िया बन जाए जैसे कुछ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो भाइयों ये सारे सारे डिसमेंटल हो गए, सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पर भी है, दिखा नहीं सकता क्या करा रहे हैं। डायरेक्ट सीट बनने के बाद ही आपको बताऊँगा कैसा क्या फैब्रिक है, क्योंकि आजकल आपको आइडिया होने लग गया कैसा क्या बनवा रहा है। सीट कवर तो हो गया स्टिच और ये ओढ़ने लगा है अभी। तो गाइस देख लो बाइक हो चुकी है पूरी पूरी रेडी, और भाई ये देखो इन भैया की वजह से ही हो पा रहा है। FZS V3 FZS V4 को प्रमोट कर रही है अपनी लाइटों से। अब ये देख लो आप, यहाँ पर हमने कराया है सिल्वर बैच, मतलब कि थोड़ा सा उधर करना है, लाइट ज़्यादा पड़ रही है। तो ये देखो ये है अपना सिल्वर वाला, और ये है थोड़ा सा मैट और ग्लोस के अंदर ही है, और ये भाई दाने वाला है अपना जो इसके अंदर सीट कवर है जिससे ग्रिपिंग अच्छी हो सके। और पीछे आप देख सकते हो यही है, बट इसके अंदर कौन सा वाला इसका अपोजिट है। हाँ हाँ इसमें डॉट इन है भाई, मतलब ये बिल्कुल अपोजिट हो गया है। बाकी ये जो आप पैनल देख रहे हो ना ग्लोस पैनल, तो ये अपन ने साइड के अंदर एक ग्लोस में दिया है, एक ग्लोस वाला एरिया है जिससे भाई थोड़ा पैनल भी मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज लगे, थोड़ा बल्की लगे कहीं ना कहीं, देख रहे हो ना मतलब अभी कितना बल्क आ रहा है वो देखो। थैंक यू भैया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई थोड़ा हैवी लग रहा है ये लुक कहीं ना कहीं से, और बाकी दिन के अंदर और अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं आपको इसका मॉर्निंग के अंदर एक बार और चेक करा देता हूँ सीट कवर। ये देखो ये वाला सीट कवर है मॉर्निंग के अंदर, भाई इसका लुक जो आप देख रहे हो देखो, इसमें गोल्डन टच के जो थ्रेड्स आ रहे हैं और सिल्वर में जो टच आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। ये चारकोल वाला थोड़ा मतलब सिल्वर भी बोल सकते हैं कई लोग, बट ये चारकोल वाला सीट कवर है, लेदर फॉर्म के अंदर है। और ये वाला भाई इसकी ग्रिप बहुत भारी है, मतलब ये देखो ये पीछे बैठने के लिए और कंफर्टेबल, और यहाँ पर तो मतलब राइडर के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। मतलब इसमें क्या होता है जो अपनी मतलब किसी ने लाइकरा के पजामे पहने हैं, डेनिम की जीन्स वीन्स जो भी पहन के रखो कुछ भी, मतलब इसमें क्या है कि फिसलता नहीं बंदा, ग्रिप बन जाती है। तो अभी तक का तो ये मॉडिफिकेशन है, और अब आप ये सब देखने वाले हो अभी नाइट के अंदर। आप देख पा रहे हो तो ऐसा लुक आ रहा है कुछ ना कुछ बाइक के अंदर गोल्डन अलॉय के साथ, और गाड़ी जो पूरी ग्लोसी ब्लैक है। तो ओवरऑल देख लो भाई कंप्लीट हो चुकी है, और अब यहीं से अपन करेंगे व्लॉग को एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफ़ी बढ़िया हो गया भाई आज का व्लॉग, आज तो ये इतना हो गया। कल सुबह ये भाई मॉडिफिकेशन पर होने वाली है, कल इसका व्लॉग बनाएंगे, तो आगे पीछे क्या दो दिन में व्लॉग आ ही जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी अपन इसको बनाने वाले हैं ना इस बाइक को, मतलब फाड़ बिल्कुल फाड़ू बाइक बना देंगे, एग्जॉस्ट सब कुछ चेंज होने वाला है गाइस, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है तो फिर मज़ा आ गया, और तो व्लॉग तो एंड हो ही चुका है, तो अपन एक बार भैया से ही बात कर लेते हैं। भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह, बहुत बढ़िया काम कराया यार, बहुत बढ़िया काम, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरी गाड़ी का भी अपना समझ के काम भाई, ये किसी दूसरे की गाड़ी है तो इतना सेक्सी काम करके दिया है ना यार, आप समझ नहीं सकते। ये वाला सिल्वर भी नहीं है एक्चुअली, ये चारकोल है, समझ रहे हो, चारकोल टाइप का लग रहा है ये वाला जो सीट कवर है ना, मुझे चारकोल टाइप का लग रहा है। तो दोनों तीनों कलर में भाई मज़ा आ गया मुझे। ओके